नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीरज। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यशवंत सिन्हा के नामांकन में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि वे नामांकन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते से राजनीतिक घमासान जारी है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। शिवसेना के बागी शिंदे गुट के 15 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की हैं। इन पर आज सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है। साथ ही विधायकों ने खुद के लिए और अपने परिवारों के लिए सुरक्षा की भी मांग की है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना के 15,054 नए मामले आए और 16 मरीजों की मौत भी हुई है। राहत की खबर यह है कि इलाज करवा रहे 13,485 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। देश में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस 92,724 हैं। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान जीत गए हैं। उन्होंने यहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरपंच गुरमेल सिंह को 5,822 वोटों से हराया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की ओर से सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध करते हुए रविवार को कहा कि सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को ऐलान किया है कि देसी गाय की खरीद पर सरकार 25,000 रुपए की सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस किसान के पास 2 से 5 एकड़ तक की जमीन हो और वह सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो, अगर वो अपने मन से नेचुरल फार्मिंग चुनना चाहे तो उसे देसी गाय खरीदने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जर्मनी के बावेरिया की वादियों में स्थित श्लॉस एल्माओ पैलेस में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। मोदी मुख्य रूप से G7 की 2 सेशन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वेलिटी पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। श्रीलंका ने रविवार को ईंधन की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की। एक महीने में तीसरी बार सरकार ने फ्यूल के रेट्स में इजाफा किया है। इस बीच श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए अमेरिका भी एक्टिव हो गया है। अमेरिकी अफसरों की एक टीम कोलंबो पहुंच चुकी है। तो देश विदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।